एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ सरफेस एरिया वॉल्यूम। इसको 8th क्वेश्चन में देखिए दिया गया हुआ, क्वेश्चन में डिक्टेट करने वाला हूँ। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर। एक वो कह रहे हैं सॉलिड सिलेंडर है और इस सॉलिड सिलेंडर की हाइट 2.4 सेंटीमीटर दी है और डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर दी है। ये डायामीटर दी है, इट्स 1.4 सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज हॉलोड आउट। वो कह रहे हैं हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर दी है एंड हमारे पास उसका डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। अ कॉनिकल हाइट ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज होलोड आउट। हमने इसमें से कोन निकाल लिया, मीन्स ये सपोज लकड़ी की शेप है, इसमें से हमने लकड़ी को नोचा 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 नोच नोच के बाहर निकाल दिया और हमारे पास ये कोन की शेप बन गई है। आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कैसे निकलेगा टोटल सरफेस एरिया, आपको रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। सो क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर अ कॉनिकल हाइट ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायामीटर, कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायामीटर आर होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। हमारे को रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये सरफेस है, हाँ इस सरफेस को क्या कहते हैं सिलेंडर के को, 2πRH। अब हमारा ये भी सरफेस है, ये पोर्शन ये सरफेस का ही हिस्सा है और ये सर्कल की शेप में, इसलिए पाई आर स्क्वायर। पहले ये वाला सरफेस हमारा सरफेस का ही हिस्सा है 2πRH, ये सर्कल हमारा सरफेस का हिस्सा है पाई आर स्क्वायर। अब ये कोन भी तो हमारा सरफेस ही बन गई है ना, इसको हम टच कर सकते हैं, तो ये पाई आर एल हो गया, पाई आर एल। ये सरफेस नहीं है, यहां से तो हमने खोद ही दिया ना, तो ये तो होलो है, यहां से ये सरफेस नहीं है। बच्चे इस सर्कल को भी सरफेस मान लेते हैं, ये सरफेस नहीं है। तो अब हमने क्या करा, यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देनी है। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अगर डायमीटर 1.4 है तो रेडियस 0.7 होगा और इसकी हाइट कितनी दी है 2.4 प्लस पाए आर स्क्वायर पाए इंटू आर। रेडियस कितना है मेरे पास, देखो डायमीटर 1.4 है तो रेडियस 1.4 का हाफ 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाए आर एल, पाए 22/7, रेडियस 0.7, स्लांट हाइट। बच्चे पता क्या करते हैं, स्लांट हाइट है 2.4 लिख देते हैं। स्लांट हाइट ये तो कोन की हाइट है 2.4 नॉर्मल वाली हाइट, स्लांट हाइट तो ये होती है, ये स्लांट हाइट होती है। ये मेरे पास 2.4 ये चीज दे रखी है, ये वाली चीज, ये 2.4 सेंटीमीटर है। स्लांट हाइट चाहिए मेरे को फॉर्मूला में, एल चाहिए, अभी निकाल लेते हैं। ये रेडियस 0.7 है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, स्लांट हाइट ये चीज होती है, स्लांट हाइट इस चीज को, तो एल स्केयर इज इक्वल टू आप सभी को पता है एच स्केयर प्लस आर स्केयर। पाइथागोरस थ्योरम से एच कितना है 2.4 का स्केयर, रेडियस कितना है 0.7 का स्केयर, तो एल स्केयर कितना आ गया 5.76 और आर स्केयर कितना आ गया 0.49। तो मेरे पास है कितना आ गया एल स्केयर, दैट इज इक्वल टू 6.25। ये स्केयर है उधर जाके क्या हो जाएगा स्केयर रूट, 6.25 का स्केयर रूट क्या होगा 2.5, तो यहाँ पे मैं 2.5 लिख लूंगा। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, स्लांट हाइट की जगह पे 2.5 लिखा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन खत्म है। अब मैं आपके लिए 9th क्वेश्चन कर रहा हूँ, 9th क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। सो 9th क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 9th में दे रखा है, एक वुडन आर्टिकल है। ये वुडन आर्टिकल बनाया कैसे, लकड़ी का जैसे सिलेंडर था, इसमें से लकड़ी खोदी 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 ऐसे एक यहां से हेमिस्फीयर की शेप से खोद दी
और आपको यहाँ से हम ये डायग्राम दे रखी है क्वेश्चन में आपको, वो कह रहे हैं वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड। सो हेमिस्फेयर ईच एंड ऑफ द सॉलिड से स्कूप आउट करें। दोबारा से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस ऑफ बेस इज 3.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस हमारे को 3.5 सेंटीमीटर दिया है और हमारे को क्वेश्चन में सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालना है। सो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालो। तो सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखिएगा। सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल वो निकलेगा हमारा, ये चीज सरफेस का हिस्सा है, यस ये चीज इज द हिस्सा ऑफ सरफेस, और ये सरफेस किसके इक्वल है, 2 पाई आर एच। आपको पता सिलेंडर के इतने पोर्शन को 2 पाई आर एच कहते हैं। अब सिलेंडर यहाँ से होलो है, यहाँ से भी होलो है, पर अब ये तो हमारा सरफेस का ही हिस्सा है ये, और ये हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर 1 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी हमारा सरफेस है 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर का एरिया इतना पोर्शन हमारा सरफेस है, सिलेंडर के इस पोर्शन को क्या कहते हैं हम, 2 पाई आर एच, आपको पता ही है। और आपको 2 पाई आर स्क्वायर, इसको 2 पाई आर स्क्वायर कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस ही है ना हमारा, ये चीज हमारा सरफेस है, सरफेस ये भी हमारा सरफेस है। और हेमिस्फेयर का सरफेस होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी हेमिस्फेयर है, इसका सरफेस 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर 1, हेमिस्फेयर 2। अब हम यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देंगे, 2 × 22/7, रेडियस 3.5, हाइट 10, रेडियस 3.5 और हाइट 10, और 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर को हम 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या रह गया, 2 × 22/7 × 3.5 × 10 प्लस 4 × 22/7 × रेडियस कितना है, 3.5 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, दैट्स इट, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। और अब हम अगली क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसकी कैलकुलेशंस खुद कर लेना।